हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कुछ पुरानी माप तौल पद्धतियां हैं जो आपके हाई स्कूल में हो या इंटर में हो या आपके BSc में हो या आपके कंपटीशन लेवल में हो, ये आपकी माप तौल पद्धतियां आती हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जैसे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इन प्रश्नों की भरमार मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को बोर्ड से समझेंगे और हमने आपको बता दिया है कि जो टॉपिक की जरूरत होगी बोर्ड से बताएंगे, जो टॉपिक की जरूरत होगी हम आपको PDF के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि मान लीजिए जैसे ये आपकी है, इनको समझाने के लिए इसमें हमने बता दिया, कुछ आपकी जैसे PDF फॉर्मेट है उनको PDF फॉर्मेट बताएंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो आपको बना दिया है, जैसे आपका जोत बही खतौनी क्या होता है उसको हमने PDF के माध्यम से अच्छे से बताया है, उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलते ही स्टार्ट करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए, स्टार्ट करें। चलिए यहां पर आपकी सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था लेकिन काफी बच्चों ने इस प्रश्न का जवाब गलत देके आए थे। ठीक है, तो आपसे पहला पॉइंट हुआ कि 1 इंच बराबर कितना होता है, कितने सेंटीमीटर के, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ओके, अगला पॉइंट आता है कि 1 फुट बराबर कितने इंच के होता है, तो 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच के। आपके पास स्केल होती है जो बड़ी वाली होती है, वो आपकी कितनी होती है, आपकी 1 इंच की होती है, इससे पॉइंट आपको याद रहेगा। अगला आता है 1 गज, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और जब क्रिकेट बोलते हैं तो बोलते हैं इतने गज बोलते हैं, तो वही आपका है, 1 गज बराबर कितने फुट के होता है, 3 फुट के, या कह सकते हैं आपके 91.44 सेंटीमीटर, ये आपके यहीं से निकाला गया है। ओके, अगला पॉइंट आता है चैन, एक चैन बराबर कितने गज का होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक चैन बराबर कितने गज के, तो आपका 22 गज होता है, वो जो आप क्रिकेट टीम वाला होता है, ठीक है, 22 गज होते हैं, नाप देते हैं वही, तो एक चैन बराबर कितना होता है, 22 गज के होता है। अगला पॉइंट, एक फलांग मतलब कितना होता है, 10 चैन के होता है, या कह सकते हैं कि ये गज में, 22 गज में अगर आप 10 गुणा करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 220 गज, कितना हुआ, एक फलांग बराबर कितना हुआ, 220 गज हुआ। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार लिख लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, पूरा रट जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आती है 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर होता है 8 फलांग, 8 फलांग होता है, यह कह सकते हैं कि आपके 1760 गज होता है। अब 1760 गज है, यहां पर देख लीजिए, अगर इसे हम लोग कह सकते हैं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1760 को 91.00 इससे कर देंगे तो आप देख लीजिए 1 गज के लिए आ जाएगा ना गज में। अब इसके बाद यहां पर देख लीजिए, इसका गुणा कर देंगे तो आपका ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद यहां पर अगर देख लीजिए, 0 आपको यहां से हटाएंगे तो 3 जीरो यहां पर आएंगे तो आपका मीटर बन जाएगा, और इसके बाद एक ये जो 100 को और करेंगे नीचे से तो आपको 1.609 होगा। कुल मिला के हमको ये याद करना था कि 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। ऐसे याद रखना है आपको कि 1 मील बराबर कैसे 1600 मीटर, आप लोगों की जो भर्ती होती है आर्मी भर्ती होती है तो उसकी जो दौड़ मांगते हैं बोलते हैं 1600 मीटर है, 1600 मीटर का मतलब होता है कि आपकी 1 मील की आपकी दौड़ होती है, तो इसे याद रखना, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। ओके, याद हुआ। अच्छा, यहां पर कुछ आपके पॉइंट है जैसे कि 5.5 गज बराबर कितना होता है, 1 पोल होता है, खेतों की माप में आपको देखने मिलेगा, तो 5.5 गज बराबर मतलब 5 सही 1/2 गज बराबर 1 पोल के होता है। ओके, अगला है 40 पोल, तो 40 पोल बराबर 1 फलांग के होता है, कितना होता है, 1 फलांग की। 4 पोल बराबर कितना होता है, तो 1 गंटरी जॉब होता है, गंटरी जरीब होता है, जरीब होता है जॉब नहीं, जरीब होगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर 5 फलांग होता है। ठीक है, कितना, देखो एक ये आया और 1 किलोमीटर बराबर कितना, 5 फलांग। तो ये तो आपके बेसिक थे, इनको आपको पॉइंट पता होने चाहिए। अब आपके एग्जाम में पूछेगा बीघा, एकड़, जरीब, आपके गट्ठा, ये पूछे जाते हैं, उनको भी देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि 1 बीघा बराबर कितने वर्ग फीट होता है, या कह सकते हैं कितने स्क्वायर आपके एकड़ की जमीन होती है। ठीक है, स्क्वायर यार्ड होगा, तो देखिए यहां पर इसे मिट देते हैं, 1 बीघा बराबर, ये मान लीजिए आपका बीघा है। ठीक है,
पचपन गज इधर होगा, पचपन गज इधर, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, पचपन गज बुढ़े पचपन गज। इन दोनों को अगर आप गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो आपको बनेगा कितना, तीस पच्चीस, ठीक है, तीस पच्चीस वर्ग गज हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था एक गज बराबर, एक गज बराबर कितना होता है, तीन फीट, ठीक है, हमने लिख दिया एक गज बराबर कितना, तीन फीट लिख दिया। अब यहां पर देख लीजिए, आपको इसमें से पचपन अर्थात एक को उठा लीजिए, पचपन गुणे तीन कर देंगे इसकी, तो आपकी क्या हो जाएगा, 165 फीट होगा, 165 फीट इधर हो जाएगा, 165 फीट आपका इधर हो जाएगा। अब 165 गुणे 165 करेंगे तो आपका 27225 वर्ग फीट आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक बीघा बराबर कितने वर्ग फीट होता है, तो एक बीघे बराबर 27225 वर्ग फीट होता है, ठीक है, याद रखना। अर्थात 165 आपकी लंबाई हो जाएगी, 165 आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। इतना पॉइंट याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है एक एकड़, एकड़ भी क्वेश्चन होता है और मैक्सिमम बड़े एरिया में एकड़ ही लिया जाता है, बोलते हैं हमारी ये संस्था इतने एकड़ में है, या यूएनओ की जो संस्था आपकी है वो आपकी इतने एकड़ में बनी हुई है, या इतने बीघा आपके दान दिया गया है ना। तो एक एकड़ में देखिए, सबसे पहले 10 जरीब लंबाई होती है, एकड़ की बात कर रहे हैं, एक एकड़ में क्या होता है, 10 आपकी जरीब होती है, क्या लंबाई होती है, और एक जरीब क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। या हम लोग यहां समझ ले, एक जरीब बराबर 22 गज की होती है, तो हम लोग बोले 66 फीट, ठीक है, तो 222 इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे, ठीक है, तो आपको कह सकते हैं इसका जब गुणा करेंगे 220, अर्थात कह सकते हैं एक जरीब बराबर 22 गज अर्थात आपका 66 फीट हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 220 गुणते आपका 22, इस प्रकार से क्षेत्रफल एक एकड़ में इतना आपका क्षेत्रफल निकल गया। अगर गुणा करते हैं कितना, तो आपका 48 40 इनका गुणा कर दीजिए, तो एक एकड़ बराबर कितना हुआ आपके, ये इसका आंसर निकल के आएगा कि एक एकड़ बराबर कितने वर्ग गज के, तो आपके 4840 वर्ग गज के होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट होता है एक जरीब, तो एक जरीब में कड़ी निकालना पड़ता है, तो एक जरीब बराबर कितना होता है, 100 कड़ी के होता है, कितना होता है, 100 कड़ी के होता है। एक लट्ठा बराबर 10 कड़ी के होता है, खेतों में जब बांट वगैरह होती है तब वहां पर गट्ठा वगैरह छोटे गर्व करना होता है, तो आपको इसी को ले लिया जाता है, आपकी गट्ठा को, ठीक है। तो एक लट्ठा बराबर कितना होता है, 10 कड़ी होता है। 20 बिसवा, याद रखिएगा कि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, आपके यूपी में जो आपका बिसवा होता है वो आपका 20 बिसवा बराबर एक बीघा होता है। ये आपके रिटर्न के रूप में है, क्योंकि काफी जैसे आपका हरदोई क्षेत्र में जाएंगे तो वहां बोलते हैं शायद कि 10 बिसवे में एक बीघा बोल देते हैं, कहीं बोल देते हैं हमारे पास इतने बीघे हैं, लेकिन वहां का बिसवा छोटा होता है, कहीं का बिसवा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका लिखित रूप में है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से है, तो आपको 20 बिसवा बराबर एक बीघा होता है, रट लीजिएगा, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगला, 10 कड़ी बराबर क्या होता है, एक गट्टा होता है, ठीक है, 10 कड़ी बराबर एक गट्टा, 20 गट्ठा बराबर एक जरीब हो जाएगा, एक गट्टा बराबर 8.5, मतलब 8 सही 1/4 आपका फीट होता है, ठीक है। तो ये आपकी खुद थी जो आपकी माप तौलिया है, और कह सकते हैं कि ये माप आपको घुमा फिरा के पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एक इंच है, हो सकता है फुट में पूछ ले, हो सकता है 3 फुट दे, हो सकता है गज में आंसर निकालना हो सकता है चैन पूछे, आपको फलांग में आंसर लाना है। ये जब रट लेंगे, जब बेस रट जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने आपको बता दिया है, जहां जरूरत होगी हम आपको बोर्ड में बताएंगे, जहां जरूरत होगी हम आपको पीडीएफ बताएंगे, और आपको बुकों के माध्यम से इतनी अच्छी से तैयारी करवा देंगे आपकी एग्जाम की कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को कह सकते हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइए, डेली के डेली नोट्स बनाएंगे तभी आपका उद्धार होगा। अब एक दिन में सोचो कि नहीं, एक दिन में हमारा सब कुछ सर पढ़ा दें, और हो सकता है कि इस वीडियो को पढ़ाया हुआ ना भी आए, ऐसा तो है ना, जरूरी नहीं कि हर टॉपिक आपकी एग्जाम में आ जाए। मतलब हमने 50 वीडियो बना दिए तो 50 वीडियो में क्या 50 नंबर मिल जाएंगे क्या, जरूरी नहीं है ना। तो आपको परिश्रम करते रहना है, हो सकता है कि इस वीडियो से ना मिले, हो सकता है दूसरे वीडियो से 2 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है आप GSES वाले वीडियो में ना मिले, अगले वीडियो में मिल जाए, तो इस प्रकार से होता है आपकी माप तौल पद्धतियां रट जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर कौन सी बुक का चयन करें आपकी लेखपाल भर्ती एग्जाम में, तो आपको बता दें विद्या प्रकाशन, ठीक है, विद्या प्रकाशन है, और इस विद्या प्रकाशन के माध्यम से कह सकते हैं मार्केट में भी हो सकता आ गई हो, एक उपकार है, उपकार की है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, जब ये दोनों पढ़ लेंगे तब आपको आ जाएगा, समझ में आ गया ना। इसकी पीडीएफ आपको
टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, जितना हम टॉपिक पढ़ाएंगे उतना आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है, और ऐसे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, और आप लोग सपोर्ट करिए, हम भी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।